हेलो एवरीवन, आज की वीडियो की शुरुआत होती है रसोड़े से। रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, वो थी, कौन था? सो गाइस, आज हम लेके आए हैं मम्मी के हाथ के भरवा करेले और प्याज एंड गार्लिक को पील कर लिया है। अब मम्मी बीच में से कट मारेंगी सब में, सारे करेलों में, और इसके जो बीज हैं वो निकाल देंगी जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। ऐसे करके आपने सारे बीज निकाल देने हैं क्योंकि वो खाने के बीच में आते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते। अब प्याज और लहसुन जो है इसको मम्मी ये हाथ से पीस लेंगी। इसका नाम मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। अब इसमें मसाले डाले थे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर एंड धनिया पाउडर। इसको मसालों के साथ भी पीस लिया है और ये थोड़ा दरदरा टाइप में रहता है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। ये वो मसाला है जो करेलों के अंदर भरा जाएगा। इसका टेक्सचर देख लें आप, इस टाइप का रहेगा ये, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा लिक्विडी। अब करेलों में मसाला भरने का प्रोसेस स्टार्ट होएगा। सो ऐसे करके इजीली ये मसाला भर दिया जाएगा करेलों के अंदर। अब कुकर में मस्टर्ड ऑयल लेंगे और इसको पका लेंगे, यानी येलो से वाइट कर लेंगे। करेलों में फिलिंग हो गई है। अब करेलों को हम ऑयल में डाल देंगे और जो इसका मसाला बचा था वो भी एंड में इसके अंदर हम डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको थोड़ा सा, मतलब टॉस कर लेंगे। उसके बाद हम कुकर का जो कवर है, कुकर का ढक्कन, इसको सिर्फ ऊपर से ऐसे ही रख देना है। कुकर का ढक्कन प्रॉपर वे में लगाना नहीं है आपने, बस ऐसे ही ढक देना है और थोड़े थोड़े देर में इसको बीच में चेक करते रहना है। और हमारे भरवा करेले बनके रेडी हैं। और हमारे पंजाब वाले घर का मंदिर, वहाँ पे दिया लगा दिया है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बिजी सा शेड्यूल हो गया है और मेरे को बहुत जुखाम भी हो गया था एंड बॉडी पेन, मतलब मेरे राइट हैंड में बहुत पेन हो रहा था। अब जाके थोड़ा सा शाम को रिलैक्स मिला है और इसलिए मैं आज पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आई डोंट नो व्हाई, आज मैं बस रेस्ट मोड पे ही रही ज्यादातर। नो, ऐसे नहीं करना। और हमारी कल की वापसी है, कल हम लोग वापस चले जाएंगे यहाँ से। अभी तक का तो यही अपडेट है। शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं और चाय पी जा रही है। मम्मी की करेलों की विधि आपने देख ली होगी, पंजाबी स्टाइल करेले जैसा यहाँ पे बनते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ओके? अगर आपको मेरी पूरी वीडियो में एक पार्ट भी पसंद आता है ना, आप उसको लाइक कर दे ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं। और यहाँ बात हो रही है वीडियो कॉल पे मेरी मम्मी से एंड मेरी छोटी बहन से, यानी कि बेटी की बिग मम्मा और उसकी मासी से। बिकॉज 2 दिन से हमारी ठीक से बात भी नहीं हो पाई है। मम्मी हालचाल पूछ रही थी। सोचा कि आप लोगों को ऊपर का व्यू भी दिखाती हूँ, ऊपर वाला जो फ्लोर है हमारा, वैसे तो सेम
नहीं सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। ये देखो पीछे का व्यू। ये व्यू है हमारी छत से, देख लो आप भी, पंजाब के दर्शन कर लो। और आज के व्लॉग का एंड भी मैं यहीं करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना होता है। ओके, थैंक यू।